अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर आप तुम दोस्तों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी कैसे आप हासिल कर सकते हैं? अगर मिसाल तौर पर आप किसी भी एफआईआर की कॉपी आप हासिल करना चाहते हैं, आपने कोई कंप्लेन दर्ज की है, उसकी उसके ऊपर कोई प्रोसेस हुआ है और उसकी एफआईआर की कॉपी आप ऑनलाइन कैसे हासिल कर सकेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट्स के अंदर आमतौर पर ये काम एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि जी आप किसी भी थाने के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको एक मतलूबा मालूमात फराहम करनी होती है। उस मतलूबा मालूमात के अंगेंस्ट आपको ऑनलाइन एफआईआर की कॉपी मिलती है। मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोसेस हैं वो आपको फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ प्रोविंसेस ने, कुछ सिटीज़ ने इस वक्त ऑनलाइन एफआईआर का प्रोसेस भी शुरू किया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ये घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी ऑटोमेशन गवर्नमेंट कंप्यूटराइजेशन के हवाले से जब वीडियोज़ हैं जो अपलोड करूँगा तो उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। ये मेरा YouTube चैनल स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान है। अगर आप देखेंगे इसके ऊपर हमने नादरा एक्साइज, पासपोर्ट और इस किस्म के एजुकेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी के हवाले से, ई कामर्स, ऑफिशियल मोबाइल ऐप, गवर्नमेंट पंजाब, एजुकेशन, कामयाब जवान प्रोग्राम, इस किस्म की वीडियोज़, जो ऑटोमेशन होती हैं, ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, उनके हवाले से वीडियोज़ है, मैं वो लेकर आता हूँ और आप लोगों को इससे बेनिफिट हासिल होता है। अब मेरी मोबाइल ऐप्स डॉट पी के की, इसमें गवर्नमेंट ऐप्स के नाम से ये एप्लीकेशन मौजूद है, वो मौजूद है वेबसाइट। इसके अंदर ऑनलाइन टोकन टैक्स आप कैसे जमा कराएंगे, बी फॉर्म कैसे लेंगे, आप कैक्टर सर्टिफिकेट कैसे लेंगे, ऑनलाइन वीज़ा वगैरह हासिल करना है, हेल्थ सर्टिफिकेट, नादरा के पास आइडेंटिटी एप्लीकेशन, इस किस्म के जो आर्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम मेरे इस मोबाइल ऐप डॉट पी के जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वो ले सकते हैं। ओवरसीज़ कैसे आप मुख्तलिफ किस्म के जो बेनिफिट्स हैं वो ले रहे हैं वो तमाम के तमाम इस मेरी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। अब हम आ जाते हैं कि कैसे ऑनलाइन आप ये सिस्टम हासिल करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे पुलिस रिपोर्ट डॉट पंजाब, ठीक है, ये आप लिखते हैं, ठीक है, ये आप लिखते हैं तो आपके पास यहाँ एक यूआरएल आ जाता है, मुख्तलिफ किस्म के यूआरएल आ जाते हैं। इसको अगर आप टॉप पे लिखते हैं, ठीक है, तो ये अब बता देगा द सिस्टम इज़ माइग्रेटेड टू पीएससी सेफ सिटी अथोराइज अथॉरिटीज़ प्लीज़ cms.punjabpolice.gov.pk, ठीक है, ये इस पे यूआरएल पे आ गया, ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना ये लॉन्च हो गया इस वक्त, ठीक है। अगर आप इस कोई कंप्लेंट करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट सिर्फ यहाँ लिखेंगे पंजाब पुलिस कंप्लेंट ऑनलाइन कंप्लेंट, ठीक है, ये आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपके पास पंजाब पुलिस का ये कंप्लेंट सेंटर इस किस्म का या PSCA का है इस वक्त, ये इंफॉर्मेशन इस तरह की आ जाएगी आपके पास, ये वाली, ठीक है, IGP 87 डायरेक्ट IGP को आप कंप्लेंट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से आप ट्रैक करेंगे तो आपका ट्रैक हो जाएगा, यहाँ अपने अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो कंप्लेंट रजिस्टर करवा लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये कंप्लेंट ID मौजूद है, मैं इस कंप्लेंट ID को यहाँ से इस तरीके से ये कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ इसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये कंप्लेंट का ID है और इसके पास से यहाँ से हम ये इसका मोबाइल नंबर आपके पास जिस मोबाइल नंबर से आपने ये किया होगा, जैसे कि यहाँ पे ये मोबाइल नंबर मैंडेटरी है कि आपने यहाँ सेल नंबर CNC नंबर नेम लिखना है, उसे आपने किया होगा तो आपका ये होगा। जो ही आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास उस कंप्लेनेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो कंप्लेंट नंबर क्या था, उस कंप्लेनेंट का नाम क्या था, ऑफेंस की कैटेगरी क्या थी, जो असाइन किया गया ऑफिसर उसका स्टेटस क्या है, उस इंसिडेंट का के ऊपर क्या रिपोर्ट बनाई गई है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ऑफिसर का सेल नंबर, डेट वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ये पहला जो डॉक्यूमेंट है अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास वो जो एप्लीकेशन दी गई थी, ठीक है, वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। जो अगर दूसरे टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑनलाइन जो FIR है जो उसकी वो अटैच हुई होगी वो ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस के ऊपर आ जाएगी। तो आप इसको राइट क्लिक करके आप इसको सेव इमेज के तौर पर करेंगे तो एप्लीकेशन इसको आसानी डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन याद रखें, अगर आपने कंप्लेंट दर्ज करनी है तो IGP8787center.PSCA.gov.pk पे जाएंगे, यहाँ आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर आपने कंप्लेंट का स्टेटस चेक करना है तो आप इस cms.punjabpolice.gov.pk इसके ऊपर यहाँ अपना ID और अपना देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपका ये चीज़ें आ जाएगी और यहाँ से आप अपनी ऑनलाइन FIR और अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट वगैरह भी देख सकते हैं बआसानी।
तो इस तरीके से ऑनलाइन आप ये अपना प्रोसेस जो है ना वो बआसानी कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट डिजिटल पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।